गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज आवर स्क्यूनेस एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली बिल विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, स्क्यूनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम समझेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, कितने टाइप के स्क्यूनेस होते हैं वो हम देखेंगे एक बार। देन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए कितने टाइप्स से कितने फॉर्मूला है हम वो देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट है वो हम देखेंगे। बाद में मेथड क्या है, मेथड में बेसिकली दो मेथड सीखेंगे जो कि बताएगा कि स्क्यूनेस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है उसमें। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का बेसिकली मीनिंग होता है कि लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है या फिर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो हम उसको स्क्यूनेस बोलेंगे। लेकिन अब स्क्यूनेस को पूरा डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री का मीनिंग होता ये है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसमें आपका जो मोड वैल्यू है, मोड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका डेटा इक्वली और इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम बोथ द साइड फ्रॉम इट्स मोड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन भी यही बोलता है कि सिमेट्री का मीनिंग ये है, सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये होता है कि इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा आर इवेंटली, इवेंटली का मतलब होता है इक्वली, यानी कि एक एक बार दोनों ही बार सेम वैल्यूज इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ मोड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कहा गया है, देखिए अगर मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझाओ तो ये आपका ग्राफ है और ये आपका सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जहां पे ये आपका मोड वैल्यू है मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस देन यहां पे जो डेटा होगा वो इक्वल होगा यहां के डेटा से। तो ये आपका सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। कहना यही चाहता है इसमें कि जो मोड फ्रीक्वेंसी है उसके दोनों साइड आपका डेटा इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका हो गया सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये पता चल गया कि सिमेट्री क्या होता है, तो स्क्यूनेस का मीनिंग तुरंत पता चल जाएगा कि अगर जहां पे सिमेट्री सिमेट्री नहीं है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्यूनेस देखने को मिलेगा। अभी सिमेट्री जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो क्या कहता है कि जो सिमेट्री है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जहां पे आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस को टच हो रहा है वहां पे आपका मीन मीडियन और मोड ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपका मीन है आपका मीडियन है और आपका जो मोड है वहां पे इक्वल होगा। देन सेकंड पॉइंट इज जो आपके क्वार्टाइल्स है, ठीक है, अभी क्वार्टाइल का हम देखेंगे तो क्या आपका एक क्वार्टाइल यहां पे होगा और एक क्वार्टाइल यहां पे होगा, इसको हम बोलेंगे Q1 इसको हम बोलेंगे Q2। ठीक है, तो सिमेट्री का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहता है कि आपका जो Q3 माइनस Q1 है, ठीक है, ये Q3 है ये जो है माइनस मीडियन विच विल बी इक्वल टू मीन माइनस क्वार्टाइल 1। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है बेल शेप कर्व, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा सिमेट्री का वो एक तरह से बेल शेप का होगा। आपको पता है कि बेल कैसा होता है, इस टाइप का एक बेल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी की तरह कर्व है, तो ये आपका बेल साइज कर्व हो गया। देन फोर्थ पॉइंट इज आपका इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये है मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि आपका जो मोड वैल्यू है उसके बोथ द साइड आपका डेटा इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर यहाँ पे 5 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 5 वैल्यू ही होगी। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस हमने पढ़ लिया है जहां पे सिमेट्री नहीं है
वहां पे स्क्यूनेस होगा। स्क्यूनेस का मीनिंग क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो अभी देखते हैं कि जो कर्व होगा वो किस तरह से बनेगा स्क्यूनेस में। तो सबसे पहले टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कितने हैं, तो ये दो टाइप्स है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में आप अगर ग्राफ में देख सकते हो यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे जीरो है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो ज्यादा ही बड़ा है देन द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन। तो ये पोर्शन देखो कि कर्व देख हम बता सकते हैं ये इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम वेरियंस है। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस है जहाँ पे योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड इज मच लार्जर एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ रादर देन कंपेयर टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो कर्व हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं स्क्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, सेम विद नेगेटिव स्क्यूनेस कर्व। अब बात और पॉजिटिव स्क्यूनेस में दो प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, तो ये क्या जो आपका मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, विच विल बी ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू एंड मीडियन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन मोड वैल्यू। समझ में आया? x बार इज मोर देन मीडियन एंड विच इज ऑल्सो मोर देन मोड। और सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो क्वार्टाइल का डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम मीडियन Q3 और Q1 का, तो उसमें जो ये साइड होगा दिस साइड, तो ये आपका Q3 का होगा और ये साइड जो है आपका Q1 का होगा, ये आपका यहाँ पे मीन होगा। और दूसरी बात हम ये कहेंगे x बार नॉट इक्वल टू मीडियन एंड इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू मोड, ठीक है, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपका जो Q3 होगा यहाँ पे, मान लो ये आपका Q3 है और ये आपका Q1 है, तो जो Q3 माइनस मीडियन होगा विच ऑलवेज बी ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1, ये आप ग्राफ से डिस्टेंस पता कर सकते हो, ये देखो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका डिस्टेंस है, तो ग्राफ से पता चल जाता है कि जो Q3 माइनस मीडियन है विच ऑलवेज बी ग्रेटर देन m माइनस Q1। अब सेकंड में बढ़ते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बम था, उसकी जगह पे अब राइट हैंड साइड पे एक बम है जहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा Q3 और यहाँ पे आपका क्या होगा Q1 और यहाँ का मीडियन, ठीक है। अभी हमको क्या समझना है कि राइट हैंड साइड पे जो बम है वो दर्शाता है नेगेटिव स्क्यूनेस का, और जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो मीन वैल्यू है विच इज लेस देन मीडियन वैल्यू एंड विच इज ऑल्सो लेस देन मोड वैल्यू, और सेम बस पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा, जहां पे ग्रेटर देन था वहां पे लेस देन हो जाएगा, तो Q3 माइनस मीडियन है वो लेस देन मीडियन माइनस Q1 कहलाएगा, ठीक है। ये था आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस टाइप विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड विद टू प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं मेजर्स, कितने मेजर्स हैं? दो मेजर्स हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर और एक है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर बेसिकली डील्स विद द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं केजी को यूनिट बना रहा हूं तो जो स्क्यूनेस का आंसर होगा वो भी कंपैरेटिवली केजी में ही होगा, ठीक है। हम उस वैल्यू को किसी और यूनिट ऑफ मेजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ताकि वो किलोग्राम में है तो फिर हम उसको मीटर या लीटर उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते विद अदर डेटा। ओके, तो ये आपका एब्सोल्यूट हो गया, और रिलेटिव के नाम में ही रिलेटेबल लिखा हुआ है, यानी कंपेरेटेबल, ठीक है। जो रिलेटिव
मेजर है वो बेसिकली फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा केजी से रिलेटेड था और जो डेटा मीटर या लीटर से रिलेटेड था, हम उन दोनों डेटा का स्क्यूनेस को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मेजर्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजर का जो फॉर्मूला है हम उसमें एस के यूज करते हैं, और जो रिलेटिव मेजर्स का फॉर्मूला है हम उसमें एस जे यूज करते हैं, और द वैल्यू ऑफ एस जे विल बी बिटवीन -1 to +1। ओके, और दूसरी ये बात कि एब्सोल्यूट मेजर्स को हम कंपैरिजन में यूज नहीं कर सकते हैं, बट रिलेटिव मेजर्स को हम किसी और डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज अबाउट मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में हमें क्या देखना है, क्योंकि भाई दो बंदे थे, एक का नाम था कार्ल पियर्सन और दूसरे का नाम था मॉली, ठीक है। दोनों ने अपने अपने एक मेथड प्रोवाइड किए हैं टू फाइंड आउट स्क्यूनेस एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन। बेसिकली कार्ल पियर्सन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको मैक्सिमम फॉर्मूले कार्ल पियर्सन के जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहला बेसिकली कार्ल पियर्सन ने दो फॉर्मूला हमें दिए हैं, ए और बी, पर ये दोनों फॉर्मूला अपने आप में अलग है। क्यों अलग है वो हम समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, इसमें ये कहा गया कि स्क्यूनेस विल बी इक्वल टू मीन माइनस मोड, ठीक है, जो एक्स बार है माइनस मोड वैल्यू, तो आपका ये स्क्यूनेस का वैल्यू आएगा, और उसी को आपको रिलेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देन डिवाइड द सेम वैल्यू विद स्टैंडर्ड डेविएशन। हियर द एस इज द मिनिमम, एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो फॉर्मूला है, उसमें ये कहा गया है कि जो आपका स्क्यूनेस है वो थर्ड टाइम किसका होगा, थ्री टाइम्स किसका होगा, एक्स बार माइनस मीडियन, ओके। अब तो समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है, और इसी फॉर्मूला का आपका रिलेटिव टर्म्स में आंसर चाहिए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारे पास मोड की वैल्यू अवेलेबल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमारे पास मोड की वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी लिखा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट अवेलेबल विद अस देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। द सेकंड वन इज बॉली। अब ये बॉली का ये कहते हैं कि हम है ना ये मीन मीडियन मोड हम यूज नहीं करेंगे, हम क्वार्टाइल यूज करेंगे, ठीक है, मैं क्वार्टाइल और मीडियन को यूज करूंगा। तो उसने बोला ठीक है करो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने एक नया फॉर्मूला दिया स्क्यूनेस के लिए, तो वो फॉर्मूला ये ही है जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या सिमेट्रिक वैल्यू देख लो, उसी में से उसने कुछ उठाया है और बोला कि क्यू थ्री माइनस एम माइनस एम माइनस क्यू वन, जिसको हम बेसिकली सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा